चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या प्रूव करना है, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू वन अपॉन ए एफ बार एस अपॉन ए। देन इस पे हमने कौन सी डेफिनेशन लगानी है, फरियर ट्रांसफॉर्म की, सेकेंड पार्ट में फरियर साइन ट्रांसफॉर्म की, थर्ड में फरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। फरियर की डेफिनेशन क्या होती है, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी। यहाँ पे एफ टी क्या है हमारे पास, एफ ऑफ ए टी, सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जो अंदर टर्म है ए टी उसको पुट कर दिया टी डैश। ज्यादातर हम क्या करते थे, ई की पावर्स को पुट करते थे, बट फंक्शन हमारा सिंपल होता था। तो इसमें क्या है, फंक्शन हमारा यहाँ पे ए टी आ रहा है, तो इसको हमने पुट कर दिया टी डैश। तो डी टी किसके इक्वल आ गया, टी डी टी डैश अपॉन ए, वन अपॉन ए बाहर निकाल दिया क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर अयोटा एस अपॉन ए टी डैश एफ टी डैश डी टी डैश। ये किसकी डेफिनेशन बन गई, फरियर ट्रांसफॉर्म की। सो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, एस अपॉन ए, तो एफ बार एस अपॉन ए हमारा आंसर। ऐसे हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। इस पे हमने कौन सी डेफिनेशन लगा दी, फरियर साइन ट्रांसफॉर्म की, जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी साइन एस टी डी टी। यहाँ पे एफ टी की जगह हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए टी, फिर से हमने ए टी को टी डैश पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये हमारी डेफिनेशन बन गई फरियर साइन की, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ बार एस एस अपॉन ए। ऐसे हम थर्ड पार्ट प्रूव कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन की जगह सिंपली कॉस कॉस लिख देंगे, बाकी सारा स्टेप्स सेम होगा। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ बार सी एस अपॉन ए। तो ऐसे हमने तीनों पार्ट्स को प्रूव कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको 4 मार्क्स में आएगा, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और आपको ये स्टेट एंड प्रूफ आएगी, स्टेट एंड प्रूफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये आपको 8 मार्क्स में भी आ सकती है। थैंक यू।